विवाहित महिला को नशे की गोली खिलाकर किया दुष्कर्म, वीडियो बना रिश्तेदारों को भेजा। बिहार के दरभंगा जिले के लहरिया के केवटी थाना क्षेत्र की एक महिला के साथ दुष्कर्म कर वीडियो बनाने का मामला प्रकाश में आया है। महिला को सबसे पहले नशे का टैबलेट दिया गया, उसके बाद उससे दुष्कर्म किया गया। इसी दौरान उसका वीडियो भी बना लिया गया। मामले को लेकर पीड़िता ने महिला थाने में आवेदन दिया है। इसमें उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 में छठ के समय उसके पेट में दर्द हुआ। उसके घर के बगड़ में ही केवटी थाना क्षेत्र के खिरमा निवासी रंजित राम काम करता है। उसने उसे इलाज के लिए बुलाया। उसने 8 बजे रात में आकर 2 टेबलेट दिया। जब उसने दवा खाई तो उसका सिर चकराने लगा। उसकी रात 12 बजे रंजित राम उसके घर पर आया और पूछा कि अब तबीयत कैसी है। उसने बताया कि टेबलेट खाने से वो बेहोशी हो गई है। उसके बाद रंजित राम ने उसे दुष्कर्म किया। कुछ दिन बाद उसे पता चला कि इस दौरान उसका वीडियो भी बनाया गया था। उसके फिर 2 दिन बाद रंजित राम उसके पास आया और शादी संबंध बनाने को कहा। उसने विरोध किया। रंजित राम ने महिला को अश्लील वीडियो दिखाया। उसके बाद से लगातार वह उससे शारीरिक संबंध बनाते रहा। जब उसका पति गत मई में गांव आया तब रंजित राम ने उसे वीडियो को उसके सगे संबंधी एवं कई लोगों को भेजकर वायरल कर दिया। जब उसके पति और रिश्तेदार रंजित राम के घर पूछने गए तब रंजित राम के पिता उपेंद्र राम ने उनके साथ मारपीट की। इसके बाद पंचायत हुई लेकिन पंचायत में कोई फैसला नहीं होने के कारण थाना में प्राथमिकी दर्ज करनी पड़ी। महिला थाना अध्यक्ष नुसरत जहां ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई, आगे की कार्रवाई की जा रही है।